हर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। चिंता मत करो तुलसीदास, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा कुछ अहित नहीं करूंगा। आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, क्योंकि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। सदियों से मैं यहां सूखा प्यासा अतृप्त खड़ा हूं। अनेकों लोग यहां आए और गए, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और ना ही किसी ने मुझे जल पिलाया। तुमने ही ऐसा क्यों किया तुलसीदास? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया ही सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मूक और अपने स्थान पर जड़ रहने वाले वृक्ष हो तो भी? हाँ, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणी उसी परमात्मा का ही तो भाग। तुमने मुझे जल से ही नहीं, ज्ञान से भी तृप्त कर दिया है। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ? आपके वचन सुनकर अच्छा लगा ब्रह्म राक्षस जी, परंतु मैं किसी भी मोह माया से परे। जैसे मुझे तुमसे जल चाहिए था, वैसे ही तुम्हें भी तो अपने जीवन में कुछ तो चाहिए होगा। आपने उचित कहा, आप ही की भांति मेरी भी एक प्यास है। यदि आप में वास्तव में इतना ही सामर्थ्य है ब्रह्म राक्षस जी, तो मेरी एक सहायता कीजिए, मेरी वो प्यास बुझा दीजिए। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। नहीं तुलसीदास, श्री राम के दर्शन करवाने का सामर्थ्य होता तो मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों भटकता? अच्छा, तो फिर मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। भले ही मुझ में सामर्थ्य नहीं, किंतु किसी में तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है, और मैं उन्हें जानता हूं। इस कलयुग में एकमात्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम से मिलवा सकते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं भक्त शिरोमणि अंजनी पुत्र रामदूत श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। आपका कहने का अर्थ है, संकट मोचन हनुमान जी, ब्रह्म राक्षस जी, अब तो आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। राम भक्त हनुमान जी को जो भी कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु को जो भी उनके भक्त सच्चे मन से कुछ भी कहते हैं, प्रभु उनकी अवश्य सुनते हैं। और यदि वो स्वयं राम भक्त हनुमान के माध्यम से कहा जाए, तब तो श्री राम अवश्य ही सुनते हैं। परंतु प्रश्न तो यही है ब्रह्म राक्षस जी, कि मुझे मिलेंगे कहाँ संकट मोचन हनुमान? तुम उन्हें पहचानो या ना पहचानो, वो तो तुमसे हर दिन मिलते हैं तुम्हारी राम कथा पाठ में। क्या? मेरी राम कथा में? हाँ, वो तुम्हारी ही नहीं, सबकी राम कथा पाठ में आते हैं। कोई भी राम कथा पाठ बिना उनके पूर्ण नहीं होता। तुमने उन्हें अवश्य देखा होगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ भक्त हनुमान जी हैं। अवश्य ही वो वृद्ध सज्जन वही है श्री राम भक्त हनुमान, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अब तुम्हारी राम कथा का समय हो रहा है, वो सबसे पहले आएंगे। हाँ,
मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यदि संसार में इस भक्त का नाम होगा तो इस भक्त के साथ साथ आपका भी नाम होगा। मेरी सहायता के लिए आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। ब्रह्म राक्षस तो अंततः भक्त तुलसीदास राम भक्त हनुमान के सामने आने वाले थे। उस दिन तुलसीदास जी ने मन बना लिया था कि वो हनुमान जी के आगमन के समय ही उन्हें पहचान लेंगे, परंतु हनुमान जी की लीला के सामने उनकी एक ना चली। उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि कब हनुमान जी आए और उनकी सभा में सम्मिलित हो गए। श्रीकांत, ये वृद्ध सज्जन ये यहाँ कब पहुंचे? ये? हाँ, ये तो हम दोनों से पहले से ही विराजमान है। बोलो जय श्री राम लखन जानकी। जय श्री राम लखन जानकी। जय प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। राम नाम मणि दीप धरू, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहसियु जियार, जो चाहसियु जियार। ये क्या, हनुमान जी तो श्रीकांत से प्रसाद लेकर चले गए। क्या हुआ तुलसीदास जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? प्रसाद। अब मैं शांति से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करूंगा। मुझे विश्वास है अभी गए नहीं है, वो यहीं कहीं है। मिल गया उपाय। आदरणीय भक्तों, इससे पूर्व कि आप सब यहां से जाएं, क्यों ना पुनः एक बार हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पहचान चुका हूं आपको प्रभु, मुझे ज्ञात था आप सभी के जाने के बाद ही जाएंगे। तुलसीदास जी, कल श्री राम कथा का पाठ कितने बजे का नियत होगा? श्रीकांत, मैं राम कथा का समय आकर नियत करता हूं, अभी एक विशेष कार्य से। हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, मैं जानता हूं केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु, मैं भी क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, वो स्वयं बजरंग बली है, मैं तो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता। वो यदि रुकेंगे तो केवल अपने प्रभु श्री राम के लिए रुकेंगे। बजरंग बली, इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। इस अबोध राम भक्त के लिए रुकने की कृपा करें। हे प्रभु हनुमान जी, मुझ पर कृपा कीजिए।
सत्य हो हरि शपथ पाहे के राम दूत धरु मारू जाए हे प्रभु श्री हरि राम के भक्त हे संकट पोचर हनुमान आपको शपथ इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए इस राम भक्त की विपत्ति को मिटा दीजिए जनक सुता पति दास कहा ताकि शपथ विलंब ना लाओ हे माता जानकी और प्रभु श्री हरि राम के भक्त कहलाने वाले संकट मोचन हनुमान आपको उनकी ही शपथ प्रभु श्री राम के इस भक्त की विपत्ति को मिटाने में अब विलंब ना कीजिए चरण चरण कर जोरी मनावो यही अवसर अब के ही गोहरावो हे प्रभु अब तो मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ बताइए अब ऐसी स्थिति में मैं और कहाँ जाऊँ प्रभु कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र तुलसीदास यदि तुम्हें चरणों की शरण में पड़ना ही है तो मेरे नहीं मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की शरण में जाओ मैं अवश्य जाऊंगा परंतु आपको मेरी सहायता करनी होगी प्रभु प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में सच्चे मन से यदि भक्त कुछ मांगे कोई सौगंध ले तो भगवान भी उसे पूर्ण करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं फिर मैं तो उनका भक्त मात्र हूँ एक भक्त प्रभु के दूसरे भक्त को विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी क्योंकि तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है हे तुलसीदास तुम चित्रकूट जाओ वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हाँ प्रभु मैं चित्रकूट की यात्रा पर अवश्य जाऊंगा परंतु आपको आपको मुझे वचन देना होगा प्रभु कि आप वहां भी मेरी सहायता करेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में मेरी सहायता करनी होगी आपको तुलसीदास जब भी तुम भक्ति भाव से प्रभु श्री राम का नाम लोगे तो ये राम भक्त वहां खिंचा चला आएगा कल्याण हो हे प्रभु श्री हनुमान आपका कोटि कोटि धन्यवाद निश्चय प्रेम प्रतीति ते बिना करे सम्मान तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध कराए हनुमान तुलसीदास जी ने इस दोहे में जो कहा था वो सर्वथा सत्य था जो विनय पूर्वक ईश्वर में पूर्ण प्रेम और विश्वास के साथ आस्था रखते हैं राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं जिस स्थान पर संकट मोचन हनुमान जी ने भक्त तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए वहीं उसी स्थान पर उसी घाट के निकट तुलसीदास जी ने भक्तों की सहायता के लिए पहले वहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया जो आज संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है फिर उन्होंने चित्रकूट जाने की तैयारी आरंभ की प्रभु आपके कहे अनुसार मैं चित्रकूट की यात्रा पर जा रहा हूँ कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ भक्त तुलसीदास मैं भी तुम्हारे समान प्रभु का भक्त ही हूँ जो हर क्षण प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में रहता है परंतु प्रभु के दर्शन तो प्रभु इच्छा से ही संभव हैं। धन्यवाद भैया। प्रणाम महात्मा जी चित्रकूट के रामघाट पर आपका स्वागत है हम तो कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे आप सबका कल्याण
सत्य कहूं तो मैं भी तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तरस ही रहा। आप चिंता मत करें, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा आपने, प्रभु श्री राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्षमा करें, मेरे कहने का अर्थ ये था कि आश्रम में रामकथा की व्यवस्था पूरी हो चुकी है और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना भी। अब तो बस पूजा और रामकथा आरंभ होने की देर है। अवश्य मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि एक महापुरुष ने मुझसे कहा है कि कर्तव्य का पालन करूंगा तभी मुझे श्री राम प्राप्त होंगे। जी आइए। चित्रकूट पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो तुलसीदास जी ने धैर्य रखा, अपना कर्तव्य अर्थात राम कथा का पाठ कर उसका गूढ़ अर्थ सभी को समझाते रहे। किंतु एक रात्रि उनके धीरज का बांध टूटने लगा। हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन। हे प्रभु, मेरी आस की श्वास टूट रही है प्रभु, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे प्रभु? सदा सहाय हनुमान जी की भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। प्रभु दर्शन की तुम्हारी आस नहीं टूटेगी तुलसीदास। तुम्हें शीघ्र ही प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? हाँ वत्स, चित्रकूट आगमन के बाद तुम प्रतिदिन कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने जाते हो। वैसे ही तुम कल भी जाना, किंतु अपने नियमित समय से पहले। जो आ गया प्रभु। जय श्री राम। 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 आधी परिक्रमा तो संपन्न भी हो गई, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक स्वप्न को अपनी आस का आधार मान लिया? अब तो सूर्योदय भी होने वाला है, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन तो दूर दूर तक नहीं हुए। अब तो केवल एक चौथाई मार्ग ही शेष बचा है। इतनी सरलता से स्वप्न सत्य थोड़े ही हो जाते हैं, ऐसे ही तो प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे देंगे। अब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। इतने वर्षों तक उनकी कठिन तपस्या की, परंतु फिर भी उनके दर्शन नहीं प्राप्त हुए, इसलिए उनके दर्शनों की आतुरता में मैं एक भ्रम को सत्य मान बैठा। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। भ्रम से बुद्धि व्यग्र, बुद्धि व्यग्र तो तर्क नष्ट, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति चिंता से घिर जाता है। प्रभु दर्शन देने आए हैं, किंतु भक्त तुलसीदास का ध्यान तो चंदन घिसने में ही लगा हुआ है।